हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद प्रिंसिपल। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ डेसिमल्स से रिलेटेड। मैंने लास्ट वीडियो में आपको डेसिमल समझाए थे कि डेसिमल्स को कैसे हटा सकते हैं एक नंबर वाले में। तो अब चलिए हम देखते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, दोनों में हमारे पास पॉइंट हो यानी डेसिमल हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन ये है 0.25 बटे 0.125। अब आप जब भी हम इन दशमलव को हटाएंगे, मैंने वहां पर बताया था कि दशमलव हम हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितने नंबर होते हैं उतने ही जीरो आते हैं वन में। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अब इसमें हटाना हमें न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में यानी अंश में और हर में हटाना। तो चलिए अब हमें इन दोनों में हटाना है दशमलव, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ऊपर वाले को पॉइंट को हटाएंगे यानी दशमलव को हटाएंगे। दशमलव के बाद कितने नंबर है, 1, 2 यानी दो नंबर है, तो कितने जीरो आएंगे वन में, यानी 100 बन जाएगा यानी दो जीरो आ जाएंगे। अब नीचे वाले पॉइंट को हटाएंगे, मतलब ऊपर से नीचे आता है और हर का ऊपर जाता है, हर का अंश बन जाता है जब भी दशमलव हटाएंगे। तो अब हम इस दशमलव को हटाएंगे तो कितने जीरो है, 1, 2, 3 यानी कितने जीरो आएंगे, 1000 बन जाएगा यानी 3 जीरो आ जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, आप जानते हो, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 100 to 1000/100। तो दो बिंदी से दो बिंदी कट हो गई। ओके, अब 5 के टेबल से ये कट जाएंगे, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25। ओके, अब हमारे पास 5 से फिर कट जाएगा, 25 यानी 5 ये 2 टाइम कटेगा, हमारा आंसर क्या आया, 2। आंसर क्या आया हमारे पास, 2 आंसर आया। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब हम इस पॉइंट को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के कितने जीरो आएंगे, 1, 2, 3 यानी कितने जीरो आएंगे, नीचे आएंगे वो भी, तो 1, 2, 3 ये जीरो आए। अब हमारे पास 1.80 है, अब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितने नंबर है इसके बाद हमारे पास, 2, तो 1, 2 यानी कितने जीरो आएंगे यानी 100 बन जाएगा। अब हम इसको दो बिंदी से दो बिंदी कट जाएंगे, एक बिंदी से एक बिंदी ये कटेगी, एक बिंदी से एक बिंदी ये कटेगी, हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 2/18। अब 2 की टेबल में 2 बन जाए 2, 2 9 जा 18 यानी क्या आंसर आ गया, 1/9 आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी हम पॉइंट हटाएंगे तो अंश का आएगा हर में यानी जीरो बनता है, एक नंबर है तो 10 बन गए, दो नंबर है इसके बाद पॉइंट के बाद तो कितना बनेगा, 100 यानी 100। अब एक बिंदी से एक बिंदी कट गई, एक बिंदी से एक बिंदी, हमारे पास क्वेश्चन क्या बचा, 35/75। अब 5 के टेबल से ये कट सकते हैं, 5 5 25, 7/50 ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और दशमलव को हटा सकते हैं अंश बटे हर से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर करना।